वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग गाइस। आज है फ्राइडे, अभी है कॉलेज का दिन था पर हम छुट्टी पे हैं क्योंकि एसएन के दो तीन काम थे। उसका एक 100 के Q&A वीडियो शूट है और कुछ इंस्टाग्राम का भी शूट है, वो भी करना है उसको क्योंकि कल हम जा रहे हैं कुछ काम से। हमें कल भी बिजी है तो इंस्टाग्राम का शूट नहीं हो पाएगा, उसका एक हफ्ते में वीडियो आनी है तो आज शूट है उसका। Q&A वीडियो का भी शूट है क्योंकि यूट्यूब पे भी वीडियो आनी है। तो अब जा रहे हैं हम एसएन के घर, शायद आज शाम को भी हमें कहीं जाना है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा व्लॉग में अगर हम एसएन के घर जा रहे हैं। तो अभी जाते हैं वहीं पे, मिलते हैं आपसे सीधा वहां पे। और कुछ मेरे को ना सजेशन दो, जैसे मैं अभी ऐसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे बहुत दिक्कत है क्योंकि ट्रैफिक जाम में ना फोन एक हाथ से, गियर एक हाथ से डालना, गाड़ी एक हाथ से चलाना। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कमेंट करके कि, या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो कि कौन सा वाला मोबाइल माउंट लेना चाहिए मुझे जो कि थोड़ा सा हेल्प करे यार, क्योंकि हम ज्यादा बात नहीं कर पाते गाड़ी में। गाड़ी में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें, इंटेलेक्चुअल बातें कर सकते हैं हम कुछ बढ़िया सी, नहीं तो ज्यादा बात हो सकती है जब हम सारे भी दोस्त साथ में हो। अगर कोई माउंट बढ़िया सा लग जाएगा तो कमेंट करके बता देना कौन सा माउंट लेना चाहिए। अब मिलते हैं सीधा एसएन के घर। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं एसएन के घर पे, अभी जाके देखते हैं वो क्या कर रहा है। सुबह के मेरे ख्याल से 12 बजने वाले हैं, अब तैयारी व्यारी हो चुकी होगी Q&A वगैरह की या फिर इंस्टाग्राम शूट की, क्योंकि मुझे लग रहा है 12 बज गए, उड़ जाता है जल्दी, कम सो रहा है आजकल वो, मेहनत ज्यादा कर रहा है हमारा लौंडा। अभी गेट खटखटाते हैं। Lots of light cross. Lots of light gone. Mala madad kar, this shit is ticking like a time bomb. क्या हाल है भाई? गाइस देख रहे हो एक्सक्लूसिव बॉडी दिख रही है यहाँ पे। क्या है भाई, कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स देख रहे हैं, कोई चीज नहीं है। क्या हो गया, थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा रहा हूँ ना लोगों को बॉडी के भाई। मैं पिछला वाला अगर आपने देखा और उसमें कुछ ध्यान से नोटिस किया हो, मैं बोल कुछ और रहा हूँ और ऐसी जगह कट मारा है कि वो बन कुछ और ही गया। गाइस वो थोड़ा गलती से हो गया, मैं इतने ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। इसने मेरे को पूछा कि भाई उनके लिए कुछ बोलो जो कॉलेज में राइट नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ बताओ। तो मैंने बोला था चूतिया है वो लोग, तो इसने कट कर दिया। चू यार वो इसने कहा कि जल्दी व्लॉग एडिट करो, कल सुबह जल्दी जाना, तो जल्दी जल्दी में रात को नींद में एडिट नहीं हो पाया ढंग से। बाकी सारी गाली काटे गाइस, वो एक गलती से होगी। सो गाइस अभी हम दूसरे वाले कमरे में हैं, एसएन का इंस्टाग्राम शूट चल रहा है तो उसने कहा शोर नहीं करना। मैं यहाँ बैठा, ये भाई यहाँ सो रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने उसको कहा PC चला दे, मैं एक गेम खेल लूंगा, एक घंटे की बात है। लैंग केबल भी यहाँ पर है क्योंकि इन्होंने जो छेद कराया है इस छेद से कुछ नहीं निकल रहा है। इतना बड़ा छेद कराया इसमें से एक लैंग केबल नहीं निकल रहा, गेम नहीं खेल पा रहा। अब खा रहे हैं थोड़ा पनीर वनीर। तू क्या कर रहा? हाँ इस टाइम इतनी गरीबी है ना हमारे पास। क्या कहना चाहिए, मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं हो पा रहा। आई हैव पनीर खाने के लिए, आई हैव बैग सोने के लिए, आई हैव ड्रिंकिंग वाटर, कॉफी भी है, और क्या चाहिए, क्या करूँगा मैं पैसों को। इतने कम पैसे हैं कि टी शर्ट धुल भी नहीं पा रहा। तब मिलते थे वैसे उनका शूट हो जाएगा उसके बाद। तो वैसे ये आदमी चाहता ही ना था कि मैं इसके PC में गेम खेल लूँ। अभी एसएन ने आके बताया कि लैन केबल नीचे से भी निकल सकते हैं और तो गेम खेल सकता है। देख रहे हो ये है मिंटू, मतलब चाहता ही नहीं है कि मैं इसका PC यूज कर लूँ। है भाई नहीं चाहते तुम? मैं भी नहीं चाहता हूँ, यो बात होगी यार। तो भी इस PC पे खेलेंगे वैलोरेंट, एक घंटे का टाइम पास मिल चुका है। मेरा PC नहीं ठीक करा है इसने, मैंने उसको इतनी बार बोला मिंटू PC ठीक करा दे यार। जब हम घर से बाहर आ चुके, मैं कह रहा था ना लास्ट शॉट में कि मैं गेम खेल लेता हूँ, गेम ही नहीं खेलने दी, कह रहा है कि घर से बाहर जाओ वीडियो बनानी है। अभी हम आए टपरी पे अपनी वही वर्ल्ड फेमस स्टारबक्स चाय पीने। हमारे बाबा जो है वो थोड़ा सा चाय लेके आ रहे बाहर से, उनकी बन रही है थोड़ी मीठी है ना। मिंटू भाई चाय की चुस्की बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मेरी शर्ट में कीड़ा घुस गया। थोड़ा सा जल्दी करेंगे भाई, लेट हो रहा है ऑडियंस को। कहाँ गया? यार तू चाय की चुस्की बता दे पहले। हाँ चाय तो अच्छी होती है तभी। अरे चाय की चुस्की ऐसे इधर आ, पास नहीं चाय लेके पास आ, तो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। ऐसे करो मैं कूद दे उसमें।
तो गाइस अब 2 घंटे बिताने के बाद हम वापस आ चुके हैं घर पे। अब लगता है कि वीडियो शूट हो गया क्योंकि फोन आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी शूट हुआ है, अभी एडिट होगा तब आएगा। मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा घर में शांति बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि एडिटिंग के लिए भी बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसको। ये देखो जो कह रहे थे ना, मैं कह रहा था बाह दिख रहे अब दिख गए। खोल दे भाई, भाई वीडियो बन गई। इतनी गौर से मैं देख रहा हूँ, वीडियो बन गई क्या? ना बनी, तुम बनाया? मैं ना पूछ रहा हूँ मैं कि शांति वांति में बन गई ना? अच्छे से बन गई है। अभी तो एडिटिंग होगी तब भी शांति बना के रखनी पड़ेगी। एडिटिंग अभी नहीं करना पाते। चलो एक चीज अच्छी हो गई, एडिटिंग आज नहीं होनी, तो अभी शांति बना के रखनी पड़ती फिर से। गाइस मेरा गुंडा कैसा लग रहा है? गाइस जच रही हूं ना मैं, घूम का गिरा रे बरेली के बाजार। अभी थोड़ा ये छोटा वाला लगा रखा है 1 महीने के लिए, उसके बाद अभी प्रथम के साइज का है, बाद में अपने साइज का लगाऊंगा। वाओ फनी हो गया गाइस, तो उसके बाद फिर वो वाला लगाएगा, वो जैसा लटकता है ना। फनी हो गया भाई, उनको कुछ काम आ गया, अभी हमने उनको उतारा रास्ते में, वो रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। तो अभी मिलते हैं आप लोगों से, दृश्यम 2 देखने जा रहे हैं। बहुत इंतजार था फिल्म का, कल देखा की रात को भाई साहब केस रीओपन हो गया, क्यूरियोसिटी बढ़ गई मन में। तेरा भी मन है देखने का? 2 तारीख को पंजी गए थे मेरे को देखनी है भाई। मैंने इसी वजह से तेलुगु रिलीज, मैंने तेलुगु वाली क्यों नहीं देखी? तूने दृश्यम 1 देखी है? नहीं। बहुत थोड़ा रिकैप दिखाया उन्होंने 15-20 मिनट, इन देशों के लिए हो जाएगा काम। तो हम 3 लोग जा रहे हैं अभी फिल्म देखने, अब मिलते हैं आप लोगों को सीधा इंटरवल पे या तो फिर जब मूवी खत्म हो जाएगी उसके बाद। सर ब्लॉग में कुछ कहना चाहोगे आप? वो अंकल ने पीछे ले दी, अंकल शर्म है तुम्हें? वो अंकल ने पीछे नहीं ली गाड़ी, वो अंकल ने पीछे लिया, हम तो सीधा खड़े थे, रेड लाइट थी ना। चलने तूने भी रेस दी थी तो वही रेड लाइट, ये रही रेड लाइट, रेड लाइट थी अंकल ने पीछे। कितनी लगी है? कितनी है ये पूरा अभी लगा है? हाँ देखो पकड़ी, रबिंग से हो जाएगा, अभी रगड़ने से साफ थोड़ी हो जाएगा, रबिंग ही हो गया। चल मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। चल भाई एक साथ ही पिटली मर जाएंगे, एक बार ही पिटली हो। चल पापा को दिखाई है, पापा को अब तो मेरी गलती थोड़ी है, वो अंकल ने पीछे ले ली ना। गलती किसी भी हो पिटेगा तू, वो बात सही है, गलती किसी की भी हो पिटना मुझे है, पर ले ब्लॉक कर। अब पापा देख लो, मैं रेड लाइट पर खड़ा था, वो पीछे उन अंकल ने ले दी, मेरी गलती नहीं है, अब देख लेना। तो सामने तो बात होगी नहीं, कैमरे में कर लो। क्या कैमरे में कर लो, सामने तो बस पिटाई होगी ना, पिटाई होगी तो प्लीज पापा। गलती अंकल ने करी पर हम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा ठीक हो गए, पहले यहाँ भी था। बताते रहे अंकल ने करी तो गलती अंकल की है ना, हमारी थोड़ी है। लड़ता हूँ बेशरम अंकल। अबे लड़ते थोड़ी यार, अंकल एजेड थे, छोड़ दिया, नहीं तो बच्चे कोई यंग होते तो बताते फिर। तो गाइस इंटरवल हो चुका है, कैसी लगी फिल्म भाई? अभी तक तो फर्स्ट हाफ तो मेरे को लगा था इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, बट हुई नहीं। अभी केस रीओपन होता है इंटरवल के बाद, तो मैं कहूँगा आप इंटरवल के बाद आके देखें। उससे पहले सिर्फ एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, मिंटू भाई से पूछते हैं। मिंटू भाई तो छोड़, अभी तो बताऊंगा। पार्ट 1 देखा नहीं, कैसा समझ आया पार्ट 2? पार्ट 2 अभी इंटरवल तक तो दारू पी उसने, अब देखते हैं आगे क्या करेगा। फिल्म बना रहा है वो इंटरवल तक। अच्छा फिल्म बना रहा था, दारू पी के फिल्म बना रहा है। अच्छा दारू पी के फिल्म, प्रोड्यूसर है वो, फिल्म बना रहा है, डायरेक्टर का। इंटरवल के बाद मिलते हैं वॉइस। अब हम आ चुके हैं मूवी देख के, हम भूल गए थे वहाँ पे रिकॉर्ड करना, क्योंकि क्लाइमेक्स देख के ना दिल थोड़ा सहम सा गया अभी तक की, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ देखा। अभी हम सोसाइटी पहुंच चुके हैं। अरे भाई तू बता मूवी कैसी लगी तुझे? मूवी पहले तो मैं देख रही हूँ, पार्ट 1 देखा नहीं है इसने? देखा नहीं है, लेकिन हाँ पार्ट 2 भी कोई देखा तो अच्छा लगेगा।
पहले देखा 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 यार ये क्या है, वो समझ नहीं आ रहा मुझे क्योंकि मैंने पार्ट वन देखा नहीं था। बीच में जो वो बुक वाला क्लाइमैक्स आया ना कोर्ट में, चुम्मी भाई साहब आप तो सो गए। कैसी लगी तुम्हें फिल्म? क्या फिल्म कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया बस। मिनटू ओके भाई नहीं बोलेगा एक बार ओके भाई। तो गाइस सीन ये हुआ है अभी कि जो बम्पर ठीक करने वाला है वो हमें मिला नहीं, तो आपको पता है कि हम थोड़े से मतलब उस है हार्ड वर्किंग है, तो मेरे पास रबिंग कंपाउंड एक चीज होती है उससे गाइस चेक इट आउट, ये इतना साफ हो गया है एंड मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा साफ हो गया ये। अब इशू ये आ रहा है कोई बता नहीं सकता कुछ, मेरी किस्मत देख रहे हो। चेक इट आउट गाइस, टायर पंचर हो गया। तो टायर पंचर हो गया, बहुत ही बढ़िया किस्मत है। तो अब इस टायर पंचर को ठीक कराते हैं और मिलते हैं आपसे घर पे। इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रही होगी, जाके फॉलो कर लेना। ओके बाय।